मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने एक शो होस्ट किया था जी। हाँ, ये तो नहीं होगा ना इस शो के अंदर? अच्छा हाँ, इन्होंने He's talking about the... भाई देखो साफ साफ बोल देता हूँ, जो भाई कह रहे हैं, मैंने एक शो में मिस्टर रौनित बोस राय को एक चुम्मी दी थी, चुम्मी। आप लोग चाहते हैं कि फिर से दूं? जी सर हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। अच्छा अच्छा, ऑन द चीक, नाइस वन, छोटी सी। यार इतनी बड़ी बेटी का भाई भाई बोल रहे हैं, शर्म कर यार। नहीं, 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 इनके शर्म में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा ही हैप्पी शो है। तो आप लोग कौन से नोबल कॉज के लिए खेलना चाहेंगे? बीइंग ह्यूमन। आई थिंक हाँ, बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन के लिए आप खेलेंगे? यस सर, बीइंग ह्यूमन के लिए आप खेलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो दो दमदार जोड़ियां हमारे साथ खेलेंगी आज 10 का दम का नॉकआउट राउंड, रौनित वरीना वर्सेस राम एंड आयुष। सो 10 कदम में आपके साथ पहले खेलेंगे एक नॉकआउट राउंड। इस राउंड में है 7 अनोखे सवाल, जिस टीम के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे हमारे साथ सुपर सवाल। सो लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने कभी बाहर जाने से पहले केवल समय बचाने के लिए ओनली टू सेव टाइम अपनी पत्नी से ये झूठ कहा है कि वो बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी दिख रही हैं? बहुत लोगों ने बोला। What percent of Indian husbands have at least once before going out lied, झूठ बोला है to their wife by saying that they look nice just to save time? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई। देखो हमारी तो कोई पत्नी है नहीं तो झूठ का सवाल ही नहीं पैदा होता हुँ? लेकिन पत्नियां यहाँ पे हैं, दोनों पति और इनके पास भी। लाइक टू माई सिस्टर। वही बोल रहा हूँ भाई, फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। माई सिस्टर इज मैरिड अ लायर। झूठा। तो आप लोगों के पास 15 सेकेंड है और स्टार्ट होते हैं अब। और रिमार्क्स गेट सेट रेडी गो। क्या है ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो देखी जाएगी, वैसे भी हार गए। So Ayush and Ram ने लगाया है 60% पर, रौनित एंड वरीना ने लगाया है 66% पर। आज देखें कि कितने सारे झूठे हस्बैंड इस हिंदुस्तान में। Come on, रोलू द गोलू। दो तो ये, तीन तो ये। oh. 54% झूठे हैं पति हिंदुस्तान में, लायर पति 54%, एंड इन्होंने लगाया 60, दे थिंक मोर लायर, इन्होंने लगाया 66, मोर लायर। पति ही पति, देखो ये देखो पति, ये पति। मेरे हिसाब से हम लोग बेटर है। सो आपका दूसरा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का दिल कभी वैलेंटाइन डे पर टूटा है? आय हाय हाय, व्हाट अ डिजास्टर। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एट लीस्ट वंस हैड देयर हार्ट ब्रोकन ऑन वैलेंटाइन डे? कितने खुश नसीब है वो लोग। तो राम, आपका दिल वैलेंटाइन डे पे टूटा था या जुड़ा था? जुड़ा था भाई, लोग मेरी शादी वैलेंटाइन डे पे हुई थी।
हमारी शादी जब तय हुई वो दो तीन डेट्स आए, आई थिंक 14, 15, 16 ऐसा कुछ आया, एक 14 था। मैंने बोला लॉटरी खुल गई यार, उसी में कर दो, गिफ्ट एक बचेगा पर ईयर। और कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 15 साल। 15 साल? यस। अरे माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सर, वेरी डिफिकल्ट। तो आपके पास 15 सेकंड है, ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो। 70-70 राम एंड आयुष ने लगाया 75% पर, एंड रोनित एंड वरीना लगाया 65% पर। आए देखें कि कितने हार्ट ब्रोकन ऑन वैलेंटाइंस डे। ये यू चीटिंग, यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। 26%। ये तो दोनों गलत हो गए यार, 65%। तू एक बात बता, जब तू जीतता है तो आई फील हैप्पी फॉर यू, तो मैं सर आप इन्हें ज्यादा केमिस्ट्री मुझे आप दोनों की लगी। हाउ डज योर वाइफ फील अबाउट दैट सर? अरे सर, शी इज वेरी हैप्पी। शी सेज सारे सेट में लड़कियां सेफ है, लड़कों के साथ जो करना करो। नहीं नहीं, वी हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग सर, मैं बस मस्ती खोल। शी वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, आपने इस पिक्चर में बैले किया है? जी बिल्कुल किया। हाँ, जो आप सुना है जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे अमेरिका के अंदर, एक्टिंग स्कूल आपने ज्वाइन किया था, तो आपसे उन्होंने बैले करवाया है? सुते आ गया भाई। नहीं सर, आप थोड़ा पस पस। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं कुछ नहीं किया सर। आइए सर, मैंने सर बहुत बहुत अच्छा कर। Stand straight. Stand straight. Hands like this. Hands like that. Bum bhar. Oi! Chest. Sir, ये कैसा बैले है सर? Sir, ये कैसा बैले है सर? Okay, come. Chest ऊपर. Yeah. क्या बात कर? पेट का थोड़ा इशू है। अरे फिर पिछवाड़ा निकल आता है। Now stand on your toes. Yes, toes. Music please. Leg piche. Ye ballet. Yes. Ballet. I thought this was ballet. Yeah, I thought. Maine pyar kiya ballet. तो अब आते हैं आपके तीसरे प्रश्न पे। कितनी प्रतिशत भारतीय सास और बहुओं को सास बहु सीरियल साथ में देखने की आदत है? What percent of Indian mothers-in-law and daughters-in-law have a habit of watching सास बहु serials together? सर आप लोग तो, ये आप ही डिसाइड करो सर। ये आप, ये द स्पेशलिस्ट। You decide sir. Specialist. मैंने कभी नहीं देखा सीरियल सास बहु वाला। आपने मेरा सीरियल नहीं देखा? नहीं, मेरी मॉम ने देखा है, शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, तो मम्मा ने कहा कि हु इज प्लेइंग योर डैड, तो मैंने इनका फोटो भेजा, तो शी इज लाइक अरे, उन्होंने कहा कि अरे वाह मिस्टर बजाज। आई वाज लाइक नहीं मॉम, रोनित रॉय। नहीं नहीं, यही मिस्टर बजाज है। Then I googled and I, मुझे पता चला कि अच्छा इन्होंने एक सीरियल किया था जहाँ पे इनका कैरेक्टर का नाम है मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज जी। तो अनुमान लगाने का वक्त आ चुका है, 15 सेकंड है आपके पास। On your marks, get set, ready, go. सर आप लगाओ। आधे आधे में रखो। नहीं। करो। बोल रहे हो ज्यादा। टीवी पे देखते ना सर। साथ में बैठ के एक जगह। राम एंड आयुष लगाया 73% पर,
रोनित एंड वरीना लगाया 47% पर। आए देखें रोलू गोलू क्या बोलते हैं। सर ये नीचे है सर। 36%। हो रोनित एंड वरीना 40,000। दो करेक्ट जवाब। इधर हरा दिया मुझे। शिवलरी यार दे 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 दे। क्या शिवलरी?